उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि किप्स की जो एमडीकैट सीरीज है उसमें जो तमाम जो एमसीक्यूज बनते हैं इस चैप्टर में से हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज हैं उनके क्या क्या आंसर हैं और किस तरह से वो वाले जो आंसर हैं वो उनके बनते हैं। तो आप लोगों ने काम ये करना है कि वीडियो को यहाँ पे भी पॉज करके इन क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, देन इस वीडियो को चलाइएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके कितने एमसीक्यूज हैं वो सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, इफ एंजाइम्स स्टॉप देयर फंक्शंस देन बायोकेमिकल रिएक्शंस वुड। अच्छा, एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम का काम ये होता है कि उन्होंने किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना होता है, उसको स्पीड अप करना है। इसके अलावा ऐसा नहीं होता है कि एंजाइम कोई नया रिएक्शन स्टार्ट करवा देंगे, पहले से जो एक रिएक्शन हो रहा है उसको स्पीड अप करना है। तो अगर ये अपना फंक्शन स्टॉप कर देते हैं तो कोई बायोकेमिकल रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी, लेकिन इट दे विल बी स्लो डाउन, उनकी स्पीड कम होगी, दैट विल हैपन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एंजाइम एक्सेप्ट। अच्छा, कौन कौन सी चीज एंजाइम के बारे में सही है हमें वो चीजें देखनी है, जो सी चीज गलत है वो निकालनी है, वो हमारा आंसर होगा यहाँ पर। तो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, यस दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू, दे रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन, ये भी चीज बिल्कुल ठीक है, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ये भी चीज है ठीक है, लेकिन वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है उसको इंक्रीज करें, ये चीज गलत है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम्स ने डिक्रीज करना होता है। तो दिस विल बी आर आंसर, एंजाइम्स कैटलाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सेप्ट, एंजाइम जो है तो तमाम चीजों को कैटलाइज करते हैं, किसको कैटलाइज नहीं करते, उन्होंने डाइजेशन को कैटलाइज करना है, उसको हेल्प आउट करना है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प आउट करना है उन्होंने, सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कि जो हमारी सेल्स के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है या आगे उनमें से एनर्जी निकाली जाती है, वो तमाम प्रोसेस को एंजाइम कैटलाइज करते हैं, लेकिन ब्रीदिंग या सांस लेने के प्रोसेस को एंजाइम कैटलाइज नहीं करे होते। लाइक हमने अगर सांस लेनी है तो इट इज हैपनिंग विदाउट एंजाइम्स, द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी द डैश द रिएक्शन विल बी। अब देखिए बच्चों, जो रिएक्शन होता है ना उसके लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी पड़ी हुई है, ठीक है, अगर उस एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग कम कर देते हैं, जो एक एंजाइम ने काम ये करना होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट को कम कर देता है किसी भी रिएक्शन के लिए। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम से कम एनर्जी जो कि किसी रिएक्शन को करने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट को क्या करते हैं, उसको लोअर कर देते हैं, जो उसे कम करते हैं तो जो रिएक्शन का रेट होता है वो फास्ट हो जाता है, द फास्टर द रिएक्शन विल बी, वो स्लोअर नहीं होगा वो फास्टर होगा। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, ज्यादातर एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं, दे आर अटैच्ड विद ऑर्गेनेलिस, या वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं या फ्री फ्लोटिंग होते हैं, कोएगुलेटेड फॉर्म में होते हैं। ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच होते हैं, जिन ऑर्गेनेलिस ने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसके साथ अटैच होंगे वो वाले एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, लाइसोसोम के साथ उसके एंजाइम अटैच होंगे। तो एंजाइम्स होते हैं, दे आर अटैच्ड विद ऑर्गेनेलिस, जिन ऑर्गेनेलिस ने कोई भी काम करना है उस काम को करने वाले एंजाइम उसके साथ जुड़े हुए होंगे। एंजाइम्स रिलेटेड टू फैटी एसिड ऑक्सीडेशन आर प्रेजेंट इन या प्रेजेंट एट, जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है, बच्चों देखो फैटी एसिड जो होते हैं ना इनके बारे में दो आप लोगों ने चीजें याद रखनी है, फैटी एसिड प्रोडक्शन जो होती है इनको प्रोड्यूस करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करेंगे यानी कि फैटी एसिड को तोड़ेंगे, उनमें से एनर्जी को निकालेंगे, इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि एनर्जी बनाने का काम करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये काम नहीं करती, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोलस ने ये काम नहीं करना, उसने राइबोसोमल आरएनए बनाना है बस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द आंसर। ऑल एंजाइम्स आर डैश, तमाम एंजाइम्स हैं क्या वो फाइब्रस प्रोटीन है, नहीं, वो पहली लाइन है एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि एंजाइम्स जो हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। द रिएक्टर्स ऑन विच एंजाइम वर्क, एंजाइम का जो रिएक्टर है, देखिए एंजाइम ने रिएक्शन को स्पीड अप करना है, उसने एक रिएक्टेंट को पकड़ना है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है, तो वो जो रिएक्टेंट एक एंजाइम पकड़ेगा उस रिएक्टेंट को हम एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट का नाम देंगे। वट इज ट्रू अबाउट एंजाइम, अच्छा एंजाइम के बारे में कौन सी बात सच है, क्या वो फाइब्रस प्रोटीन है, नहीं भाई वो फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, क्या वो रिएक्शन के अंदर यूज हो जाते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ना इसका मतलब ये है, जैसे सपोज करें आपके पास सोप है, साबुन है, अब उसे हाथ धोते हैं वो खत्म होता जाता है, दैट इज बेसिकली बीइंग यूज्ड अप,
तो वो यूज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है. एंजाइम्स होते हैं वो खत्म नहीं होते, दे आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शंस, नो इफेक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट. ये वाली बात एंजाइम के बारे में बिल्कुल ठीक है कि एंजाइम्स होते हैं उनकी वजह से एंड प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट जो होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. कि अगर एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उसकी वजह से एंड प्रोडक्ट जो बनेगा, अगर एक एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करता तब भी वही वाला प्रोडक्ट बनना है. एंजाइम के होने या ना होने से सिर्फ और सिर्फ स्पीड का फर्क पड़ेगा. तो नो इफेक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट इज द राइट आंसर. द मेन डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड एंजाइम इज, कैटलिस्ट बेसिकली एंजाइम भी कैटलिस्ट होते हैं लेकिन वो बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं. एंजाइम जो है दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं. कैटलिस्ट हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं केमिकल रिएक्शंस जो कि ऑर्गेनिज्म से बाहर हो रहे होते हैं, वहां पे रिएक्शन को स्पीड अप करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको कैटलिस्ट बोला जाता है. तो एंजाइम्स आर शार्प इन रिएक्शन नहीं है, ऐसा नहीं होता. कैटलिस्ट भी शार्प इन रिएक्शन ही होते हैं. कैटलिस्ट यूज इन लार्ज अमाउंट्स नहीं, ऐसा भी नहीं होता. दोनों का काम तकरीबन सिमिलर ही है, सेम ही है. कैटलिस्ट आर इन ऑर्गेनिक वाइल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दैट इज ट्रू. द टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस्ड बाय एंजाइम्स फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस टू अकर इज कॉल्ड एमडीकैट 2019. इतना आसान एमसीक्यूज है कि उन्होंने एंजाइम्स होते हैं उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट को रिड्यूस करना होता है. एक्टिवेशन एनर्जी जो है हम लोगों ने पहले पढ़ लिया. ये एंजाइम्स वर्क बाय लोअरिंग डैश ऑफ द रिएक्शन. बीपीएमसी 2020 के अंदर एमसीक्यूज आ चुके हैं, सेम एमसीक्यूज है. एक्टिवेशन एनर्जी इसका आंसर है. इट इज फॉल्स अबाउट एंजाइम्स. अच्छा जी, एंजाइम के बारे में कौन सी बात झूठ बोल दी है इन्होंने. ऑल एंजाइम्स रिक्वायर को फैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. ये एंजाइम के बारे में चलो, सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं उनको कोफैक्टर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता. ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड, दैट इज ट्रू. दे वर्क इन विट्रो एज वेल एज इन वीवो कंडीशंस, बिल्कुल कर सकते हैं. दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. अच्छा, इन विट्रो इन वीवो का मतलब क्या है कि वो जैसे पेट्री डिश, उसके अंदर भी एक एंजाइम जो होगा वो काम कर सकता है, सेल के बाहर जाके भी काम कर सकता है, सेल के अंदर आके भी काम कर सकता है. तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है कि तमाम एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता. कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए होता है, कुछ को नहीं चाहिए होता, वो अपने आप काम कर लेते हैं. द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंजाइम कॉल्ड, जो एक एंजाइम का छोटा सा पार्ट होता है पूरे का. सपोज करना आपके पास एक एंजाइम है, दिस इज एन एंजाइम. इस एंजाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्ट होगा ये रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा. दिस पार्ट विल बी नोन एज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. तो एक्टिव साइट जो होगा इसका आंसर होगा. कोएंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू, जो कोएंजाइम होते हैं, कोएंजाइम बेसिकली होता क्या है, ये जो कोफैक्टर है ना जो कि एंजाइम को हेल्प आउट कर रहा है, इसके आगे फर्दर तीन टाइप्स थी. अगर कोफैक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर एंजाइम पक्का पक्का चिपक गया है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा. अगर वो लूज बॉन्ड बना के चिपका है उसको हटाया जा सकता है तो वो कोएंजाइम है, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और अगर वो इनऑर्गेनिक आयन है, मेटेलिक आयन है जो कि एंजाइम से डीटैच हो सकता है, तो उसे हम एक्टिवेटर कहेंगे. यानी कि जो डीटैच हो सकते हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक ऑर्गेनिक जो कोएंजाइम होगा जो विटामिन से बनाया जाता है, और जो इनऑर्गेनिक होगा जो मेटेलिक आयन होगा वो एक्टिवेटर कहलाएगा. तो कोएंजाइम जो होते हैं दे आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन, जहां से वो ड्राइव किए जाते हैं, निकाले जाते हैं. द एटम्स ग्रुप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल दैट जॉइन विद एंजाइम अल्टरिंग द शेप एंड मेकिंग देम फंक्शनल. तो हमारे पास वो कोई भी ऐसी चीज जो कि एंजाइम के साथ बेसिकली जुड़ रही है ताकि एक एंजाइम को फंक्शनल बनाया जा सके, उसे हम लोग कोफैक्टर का नाम देंगे. लाइक वो एंजाइम को हेल्प आउट कर रहे हैं कि एंजाइम अपना काम जो वो कर सके. इफ द कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन लाइक अ मेटेलिक आयन, तो हम लोगों ने पहले बात की थी कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो तरह के, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम. और अगर वो मेटेलिक आयन होगा इट इज रेफर्ड टू एज एन एक्टिवेटर. यहाँ पे ए नहीं होगा, एन होगा, एन एक्टिवेटर होगा, तो वो एक्टिवेटर कहलाएगा. नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड डिटैचेबल. तो अगर नॉन प्रोटीन पार्ट है, यानी कि नॉन प्रोटीन वो ऑर्गेनिक ही होगा, ऑर्गेनिक इन नेचर है और वो डिटैचेबल है. तो हमारे पास ऑर्गेनिक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप. अगर वो पक्का पक्का जुड़ चुका है एंजाइम के साथ तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, अगर वो डिटैचेबल है तो वो कोएंजाइम कहलाएगा. फंक्शन ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज इज एडेड बाय. अब सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो होता क्या है, क्रैब साइकिल आप लोगों ने पढ़ी हुई है सभी बच्चों ने. किस किसने नहीं पढ़ी हुई जरा मुझे कमेंट में बताना, हम क्रैब साइकिल के ऊपर भी बात कर लेंगे.
क्रेब्स साइकिल जो है उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि ये साइकिल जो होती है ये होती है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, वो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी मैट्रिक्स होता है ना वहां पे मौजूद होती है। उसके अंदर जितने भी इंजाइम्स इस काम को कर रहे हैं वो सारे के सारे इंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, सिवाय एक इंजाइम के जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये इस इंजाइम का नाम बता रहा है कि इंजाइम क्या काम करेगा, वो सक्सिनेट को पकड़ेगा, उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देगा, हाइड्रोजन आयन्स होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स को रिमूव करेगा, उसको डिहाइड्रोजिनेट करेगा। इस काम को करने के लिए क्या किया जाता है कि एक चीज आती है आके सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट इंजाइम को एड करती है, हेल्प करती है। वो क्या होता है कि यहाँ से सक्सिनेट से वो हाइड्रोजन को पकड़ के ला के लगा देता है FAD के साथ, कन्वर्टिंग इट इनटू FADH2। तो FAD जो होता है यहाँ पे उसको हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के बारे में आपके एक और MCQ आता है कि वो कौन सा एंजाइम है जो कि क्रेब्स साइकिल में यूज हो रहा है लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। तो दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, मेटेलिकाइन होते हैं, नहीं वो तो एक्टिवेटर होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी नहीं होंगे, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पक्के पक्के जुड़ चुके हैं एंजाइम के साथ, उन्होंने पक्का जो है ना बॉन्ड बना लिया। ऑल को एंजाइम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एमडीकेट पास पेपर का क्वेश्चन है ये, वो विटामिन एंजाइम। अ कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम, पक्की तरह से जुड़ चुके हैं ऑन द परमानेंट बेसिस, तो क्या वो एक्टिवेटर होगा, नहीं होगा, वो कोई एंजाइम भी नहीं होगा, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अपो एंजाइम और होलो एंजाइम में आप लोगों को फर्क पता होगा कि अपो एंजाइम जो है जिसका कोफैक्टर उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है वो अपो एंजाइम कहलाता है। एन एंजाइम रिक्वायर्ड मैग्नीशियम बाइवेलेंट केटाइन टू कैटालाइज द सब्सट्रेट। मैग्नीशियम इज बेस्ट आइडेंटिफाइड एज, अब मैग्नीशियम का जो आयन है बाइवेलेंट केटाइन है, ये एक मेटेलिक आयन है कि नहीं बच्चों, मुझे जरा बताओ मेटेलिक आयन है कि नहीं, है ना मेटेलिक आयन, तो मेटेलिक आयन है जो कि सब्सट्रेट को कैटालाइज करने में हेल्प कर रहा है एंजाइम को, चीज चाहिए ताकि वो सब्सट्रेट को कैटालाइज कर सके, यानी कि कोफैक्टर का काम करेगा। यहाँ पे एक मेटेलिक आयन जो कि इनऑर्गेनिक आयन है वो एक एंजाइम को हेल्प आउट कर रहा है, क्या वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, नहीं कोई कोई एंजाइम भी नहीं होगा, दोनों ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक्टिवेटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज ऑफ इनऑर्गेनिक आयन्स, कौन सी चीज इनऑर्गेनिक आयन, अभी अभी बच्चों हम लोगों ने पढ़ी है, देखो ये एमडी कैट के पास पेपर के क्वेश्चन है, इतने सिंपल है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी है कि एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं। अ नॉन प्रोटीन पार्ट इसेंशियल फॉर द प्रॉपर इसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, तो एक एंजाइम, एंजाइम खुद क्या होता है, देखिए एंजाइम जो है ना ये एक प्रोटीन है, एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ हो जो कि उसको हेल्प कर रहा हो उसका काम करने के लिए, तो वो कोफैक्टर कहलाएगा। अल्लाह के बंदो, एन एंजाइम दैट इज नॉट प्रोटीन इन नेचर, अच्छा जी ये काफी एक इंटरेस्टिंग MCQ है। नॉर्मली तमाम एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन है जो कि वाकई में एंजाइम नहीं है और वो एक रिएक्शन को कैटालाइज करता है। हमारे पास अमाइलोप्सिन, आर्जिनेज, BAMH1, ये तीनों एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन होते हैं। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ये क्या है, आप लोगों को पता है ना कि राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम किस चीज से मिलकर बनते हैं, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, ये दो चीजें मिलकर राइबोसोम को बनाती हैं। अब राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट के अंदर एक छोटा सा सेक्शन होता है आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का एक छोटा सा सेक्शन होता है जिसे हम कैटालिटिक आरएनए भी कहते हैं। उसका काम यह है कि उसने दो अलग अलग अमीनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, उसने पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रांसफर करना है अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड के ऊपर। तो दैट एंजाइम इज नॉट प्रोटीन, वो एक आरएनए होता है। तो आगे है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय, अब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यानी कि सब्सट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ उसकी एक्टिव साइट पे जुड़ा हुआ है, तो इन एक्टिव साइट के ऊपर कौन सी चीज ऐसी होगी जो कि उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी, वो कोफैक्टर नहीं होगा, कोफैक्टर को एंजाइम को प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्टिवेटर, इन तीनों का काम बेसिकली ये होता है कि एक एंजाइम को उसके सबसेट के साथ जुड़ने में इन्होंने हेल्प करनी है, इन्होंने एक ब्रिज का काम करना है। जो बाइंडिंग साइट है वहां पे एक सबसेट आके जुड़ जाता है, बाइंडिंग साइट ने कैटालिसिस नहीं करना, कन्वर्जन नहीं करनी, कन्वर्जन करनी है कैटालिटिक साइट ने। ये जो बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट है बोथ ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट जो होती है उसको दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। डैश सजेस्टेड दैट ईच एंजाइम हैड अ पर्टिकुलर शेप इनटू व्हिच द सब्सट्रेट फिट इजीली, या एग्जैक्टली
तो ये चीज किसने इंडिकेट की थी कि यार एक एंजाइम और सब्सट्रेट जो है एक दूसरे के अंदर बिल्कुल वैसे ही फिट होते हैं जैसे एक ताला और चाबी आपस में फिट होते हैं। डेनियल कोशलैंड तो हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज करके गया था। एम एल फिशर जो था इसने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था। एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैव टू मेजर साइट्स, चलो मैंने वैसे ही बोल दिया है, हाउ मेनी मेजर साइट्स इनके अंदर होती हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स होती है ना उनके अंदर एक एलोस्टेरिक साइट जो कि एक्टिव साइट के अलावा बाकी कोई भी जगह है वो एलोस्टेरिक साइट है, वो दूसरी एक्टिव साइट होती है इनके अंदर। तो दो इसका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज मॉडिफाइड एज द सब्सट्रेट इंटरेक्ट्स विद द एंजाइम। तो कौन सा ऐसा मॉडल है जो ये कहता है कि यार एक एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को ना मॉडिफाई कर सकता है जब भी कोई सब्सट्रेट उसके साथ आकर इंटरेक्ट करेगा। तो वो हमारे पास एंजाइम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। उसने जैसे ही एक रिएक्शन होगा उसके अंदर चेंज आएगा, एक जो चेंज है वो इंड्यूस होगा। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड मॉडल ही लॉक एंड की मॉडल है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है बच्चों। देखो लॉक एंड की मॉडल जो है वो किसने प्रपोज किया था, वो हमारे फिशर भाई हैं, उन्होंने प्रपोज किया था। लेकिन लॉक एंड की मॉडल को जब मॉडिफाई किया गया उसके अंदर एक जो चीज थी जो गलती थी उसको ठीक किया गया कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, इस गलती को ठीक किया कोशलैंड ने। और कोशलैंड ने इस मॉडल को मॉडिफाई करके इंड्यूस्ड फिट मॉडल बनाया। तो मॉडिफाइड फॉर्म जो होती है लॉक एंड की मॉडल की वो कोशलैंड ने प्रपोज की थी और ये एमडीके 2017 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एंजाइम एक्ट एज, एंजाइम जो होता है उसने क्या करना होता है, उसने सबस्ट्रेट को ओपन करना है, सबस्ट्रेट को तोड़ना है, कैटालाइज करना है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम विल एक्ट एज अ की, सबस्ट्रेट विल एक्ट एज अ लॉक। वर्किंग ऑफ सुक्रेज एंड माल्टेज कैन बी एक्सप्लेन बाय, सुक्रेज एक एंजाइम है जो कि सुक्रोज शुगर को तोड़ता है, माल्टेज है वो माल्टोज शुगर को तोड़ता है, दोनों जो है वो लॉक एंड की मॉडल से एक्सप्लेन हो जाते हैं। With the increase of enzyme concentration in a reaction, more dash is available for the substrate. जब enzyme concentration increase होगी तो enzyme अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? वो active site लेकर आ रहा है। तो substrate के bind करने के लिए active sites increase हो जाएंगे। Lock and key model for enzyme action proposed by ML Fisher suggests that. अच्छा जी, ML Fisher ने जो lock and key model propose किया था वो क्या चीज suggest करता है? Enzymes are unbiased for substrate, यानी कि वो किसी के साथ भी bind कर जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता, वो biased होते हैं भाई। Enzymes are restricted to one reaction type, that is correct. According to Lock and Key model, उसने जो बात कही थी कि भाई देखो जो एक एंजाइम है वो एक ही तरह का रिएक्शन एक ही सबस्ट्रेट के साथ कर सकता है, वो हर एक सबस्ट्रेट के साथ जाके रिएक्शन नहीं करेगा। दे कैन नॉट, उसने ये वाली बात नहीं की कि दे कैन मॉडिफाई देयर एक्टिव साइट्स, दे कैन नॉट डू दैट अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। तो वराइटी ऑफ रिएक्शन भी नहीं कर सकते, सी इसका आंसर है। द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल कंपेटिटिव इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, जो कंपेटिटिव इनहिबिटर होते हैं इसके इफेक्ट को अगर हम लोगों ने न्यूट्रलाइज करना है तो हम किस चीज के साथ इसको ठीक कर सकते हैं? ये किसके साथ कम्पीट कर रहे हैं? ये सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट कर रहे हैं। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो इस कंपेटिटिव इनहिबिटर के इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज हायर देन द एंजाइम देन रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम से ज्यादा है तो एंजाइम ने अपना काम करना है, सबस्ट्रेट चाहे जितने मर्जी ज्यादा हो जाए एंजाइम अपना जो काम है वो कांस्टेंट लेवल पे करते रहेंगे। और ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज की पीएच तकरीबन 5.5 होती है, तो दैट इज स्लाइटली एसिडिक, नॉट हाईली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। जो पेप्सिन होता है उसकी पीएच हाईली एसिडिक होती है, 2 होती है। Which of the following properties of amino acid is affected by a change in pH? जब pH में change होता है तो hydrogen और hydroxyl ions होते हैं इनके अंदर तब्दीली आती है, environment के अंदर ये change हो जाते हैं। They affect the ionization of amino acids. Amino acids की ionization होती है उसको change करते हैं। Change in temperature from 30 degree Celsius to 40 degree Celsius in human body will cause. जब 30 डिग्री सेल्सियस से इंसानों की बॉडी में टेम्परेचर जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस तक, तो 37 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम एक्टिविटी होगी एक एंजाइम की, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस तक जाते हुए एक एंजाइम का जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा होगा। जब वो 37 से आगे 40 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एक्टिविटी तो होनी 37 पर है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे जाते जाते उसकी एक्टिविटी दोबारा डिक्रीज होना शुरू होगी। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विल हैपन। Which of the following factor does not affect the rate of enzyme action? अच्छा जी, तो enzyme concentration it does affect, substrate concentration it does affect. अगर ये कोई भी चीज इनमें से ऐसी है जो कि lower amount में है तो it affects the enzyme action, rate of enzyme action. Temperature भी affect करता है लेकिन light intensity नहीं करती। अच्छा,
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज जिसने लिपिड को तोड़ना है, पैंक्रियाटिक लाइपेज जो कि स्लाइटली अल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करते हैं, इसकी जो पीएच है वो 9 होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन इज अफेक्टेड बाय, पेप्सिन की जो पीएच है वो क्या होती है. पीएच के बारे में ना, तो तकरीबन 2 से 2.2 के दरमियान में होती है उसकी पीएच, ऑप्टिमम पीएच जो होती है. तो यहाँ पे इसकी ऑप्टिमम पीएच कहाँ पे बताई जा रही है. ओके, इट इज नियर 5, तो ये वाला ग्राफ गलत है. इस जगह पे 6 बताई जा रही है, वहां पे उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है, ये ग्राफ भी गलत है. यहाँ पे 2 से आगे जाके तकरीबन 3.5 सॉरी 3.9 के करीब उसकी ऑप्टिमम पीएच बताई जा रही है, ये भी गलत है. और इस जगह पे अगर आप देखें तो आपको बताया जा रहा है कि 2 पे उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, उससे थोड़ा सा भी आप आगे करें या पीछे करें पीएच को तो एंजाइम जब डीनेचर हो जाएगा. तो दिस ग्राफ इज करेक्ट. द टेम्परेचर दैट प्रमोट्स द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेफर्ड एज, तो उस वो टेम्परेचर जहां पे एक एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है उसे हम लोग फिक्स्ड या कंट्रोल टेम्परेचर नहीं कहते, उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. इस के बारे में एक और आगे जो है ना वो एमसीक्यू जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज मोस्टली अफेक्टेड इन एन एंजाइम मॉलिक्यूल व्हेन देर आर पीएच फ्लक्चुएशंस. तो पीएच के बारे में हम लोगों ने पहले बात कर ली कि यार उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो चेंज होंगे, उनकी जो नेचर है उनकी क्वांटिटी चेंज होगी, तो इट विल अफेक्ट द आयोनिक बॉन्ड्स इन द एंजाइम. मोस्ट एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड, ज्यादातर एंजाइम्स तकरीबन तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द होते हैं, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वही होता है. एंजाइम्स, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये मिटा हुआ है, एंजाइम्स विच रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर टू बी लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन्स फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग आर प्रेजेंट इन. तो यहाँ पे खैर फर्स्ट दो ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, लेकिन चले उन ऑप्शन की हमें जरूरत भी नहीं है. जो टेस्टिस होते हैं इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको काम करने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो दैट इज वाई टेस्टिस आर आउटसाइड द बॉडी, इनको बॉडी से बाहर रखा जाता है किसी भी एनिमल के अंदर, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं किसी भी एनिमल में ऐसा होता है. तो उनको बॉडी से बाहर रखा जाता है टू कीप द टेम्परेचर अ लिटिल बिट लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. लेकिन टेस्टिस तमाम इंसानों में नहीं होते, फीमेल में नहीं होते, वो तो नॉर्मली सेम टेम्परेचर रहता है. बॉन्ड सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच आर रिस्पेक्टिवली. टेम्परेचर की वजह से जो एक एंजाइम होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स अफेक्ट होते हैं, पीएच की वजह से आयोनिक बॉन्ड्स अफेक्ट होते हैं. टेम्परेचर वैसे तो कोवलेंट बॉन्ड्स को भी अफेक्ट करता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड को अफेक्ट करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड तो फौरन से टूट जाते हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर देन कोवलेंट बॉन्ड्स, तो इसका जो आंसर है वो ए ही होगा. द टेम्परेचर वेयर इनएक्टिव एंजाइम बिकम्स एक्टिव, के वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे एक एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देता है उस टेम्परेचर को हम लोग मिनिमम टेम्परेचर ही कहते हैं, उसे हम लोग मैक्सिमम या ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं कहेंगे, उसे मिनिमम टेम्परेचर कहेंगे. एंजाइम इनहिबिशन की अगर बात करें, द कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद कंपेटिटिव इनहिबिटर, कंपीट कर रहे हैं ताकि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके साथ जाके बाइंड कर सकें. तो उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी किसके साथ होगी, एक्टिव साइट पे किसने बाइंड करना होता है, सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है, तो इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होगी वो सबस्ट्रेट के साथ होगी. द फिगर रिप्रेजेंट्स डैश इनहिबिटर, जो हमें यहाँ पे फिगर नजर आ रही है उसमें ये है कि एंजाइम की एक्टिव साइट है ये वाली, लेकिन जो इनहिबिटर है वो उसकी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके बाइंड कर रहे हैं, तो ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर है, वो कंपीट नहीं ना कर रहा, वो बैक साइड पे जाके स्टैप कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट. तो जो हमारे पास कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, रिवर्सिबल कंपेटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं, उनके इफेक्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट. इफ मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू अनदर साइट ऑफ द एंजाइम रेदर देन द ट्रू एक्टिव साइट, इट इज रेफर्ड एज. अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये एक इनहिबिटर है जो कि दूसरी साइट पे जाके बाइंड कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को हम लोग नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर कहेंगे, और इस तरह की इनहिबिशन को हम लोग एलोस्टेरिक इनहिबिशन का नाम देते हैं. ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन, व्हाट इज कॉमन इन बोथ कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन, अच्छा कौन सी चीज इन दोनों में कॉमन है, दोनों रिवर्सिबल है. अ स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकनली इंगर्ट द टॉक्सिक कंपाउंड ए, अच्छा जी ये एक इनहिबिटर है, ओके, विच वॉज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ अ सर्टेन एंजाइम.
He was immediately brought to the hospital where the doctor injected intravenously substrate B to minimize the toxic effect of compound A. अब हमारे पास कंपाउंड ए है, एक इनहिबिटर है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बाय सब्सट्रेट बी. ओके, हिज लाइफ वाज सेव्ड फ्रॉम सीरियस डैमेजेस. द ट्रीटमेंट मेथड शोस दैट द कंपाउंड ए वाज अ डैश इनहिबिटर. ये एक कंपेटिटिव इनहिबिटर था, ये कंपीट कर रहा था उसके सबसेट के साथ, कंपीट कर रहा था एक एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए. लेकिन जब हमने सबसेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो ये जो इनहिबिटर है इसका इफेक्ट जो रिवर्स हो गया. पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ. इट इज कैटेगराइज एज, जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल स्टन कर देती है, बिल्कुल रोक देती है. तो ये एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम्स. अच्छा जी, तो एंटी मेटाबोलाइट्स दे आर इनहिबिटर्स, एंटीबायोटिक्स आर इनहिबिटर्स. अब एटीपी जो होता है, एटीपी भी एक इनहिबिटर का काम करता है. कैसे इनहिबिटर का काम करता है, आप लोगों ने रेस्पायरेशन के अंदर फोस्फो फ्रुक्टो काइनेज एंजाइम पढ़ा होगा. फोस्फो फ्रुक्टो काइनेज एंजाइम इस्तेमाल हो रहा होता था कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन की तरफ लेके जाया जाए और उसमें से एनर्जी निकाली जाए, एटीपी निकाली जाए. व्हेनेवर देयर इज एन अबंडेंस ऑफ एटीपी इन द सेल, जब कभी भी रेस्पायरेशन की जरूरत नहीं होती तो एटीपी जाके इस एंजाइम को भी जो है इनहिबिट कर देते हैं. लेकिन सुक्रोज सिर्फ एक शुगर, ये इनहिबिटर का काम नहीं करती. Heavy metal ions that act as inhibitor, mercury, silver and copper break dash in enzymes. जो heavy metal ions होते हैं वो enzymes के अंदर जाकर उनके जो disulfide bonds होते हैं, इन disulfide bonds को तोड़ देते हैं ताकि enzyme के जो structure है वो disrupt हो जाए. Disulfide bond बनते कैसे हैं कि दो अलग अलग amino acid के अंदर sulfur का जो atom होता है वो आपस में bond बना लेते हैं. इसको हम लोग disulfide bond या disulfide bridge का नाम देते हैं. Phosphatases belong to which group of the following? Phosphatases जो होते हैं ये ऐसे हमारे पास हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, इन्होंने पानी की मौजूदगी में चीजों को तोड़ना होता है. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर कैटेगराइज्ड इन विच कैटेगरी. जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इस्तेमाल होते हैं. ये एक मॉलिक्यूल से एक ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेते हैं और अगले ग्रुप को दे देते हैं. यानी कि इन्होंने ऑक्सीडेशन करनी है एक ग्रुप की, जिसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसकी रिडक्शन करनी है. तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है ये. कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज डन बाय. तो ग्लूकोज को अगर फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किया जा रहा है उसकी आइसोमेरिक फॉर्म है, तो ये आइसोमर्स ही करते हैं. तो बच्चों दैट वाज द चैप्टर एंजाइम्स. अगर कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो जो कि सॉल्व ना हुआ हो इस चैप्टर के अंदर, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताना है. और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी जो सीरीज है ये मिल सके. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.